Hi guys, this is Kusum and welcome back to my channel Kusum's Corner. Hope you all are doing great. So, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ Myntra Party Wear कुर्ती सेट हॉल. तो आप ये देख रहे हैं, ये सब मैं आज की वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ. तो जैसा कि आपको पता ही है कि अब चल रहा है वेडिंग सीजन, तो इस वीडियो में आपको वेडिंग सीजन के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन मिल जाएंगे. तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होता है कि कई सारे पॉइंट्स आप मिस कर देते हैं, फिर आप बाद में पूछते हैं कि ये वाली जो चीज़ है कहाँ से ली, ये वाली चीज़ कहाँ से ली. तो आपको वीडियो में सब कुछ मैं बताने वाली हूँ. अगर मैंने कोई कुर्ती परचेज की है तो उसके साथ मैंने किस तरह से उसको स्टाइल किया है, तो मैं सब कुछ बताऊंगी. तो ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिएगा. एंड जो ये लिपस्टिक मैंने आज लगा रखी है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ, क्योंकि फिर मैं बाद में भूल जाती हूँ कि मैंने कौन सी लिपस्टिक लगाई है. जब आप लोग मुझसे पूछते हैं तो मुझे कुछ याद नहीं रहता है, इसीलिए आज मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मैंने ये कौन सी लिपस्टिक लगा रखी है, क्योंकि एक लिपस्टिक लगाकर मुझे कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, इसीलिए मैं हमेशा भूल भी जाती हूँ आपको बताना. अगर मुझे कोई एक लिपस्टिक शेड याद होता है तो दूसरा मुझे याद नहीं रहता कि मैंने कौन सा लगाया था, इसीलिए मैं आज आपको सबसे पहले यही बता रही हूँ. तो आज मैंने दो लिपस्टिक अप्लाई की अपने लिप्स पे. फर्स्ट है ये है नायका ब्रांड से, एंड इसमें जो मेरा शेड है वो है नोटी न्यूट, एंड ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर शेड है. खाली आप इसे भी अप्लाई कर लेंगे तो भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन इसके साथ मैंने अप्लाई किया है ये वाला शेड. ये है मेबलिन ब्रांड से एंड इसमें मेरा शेड है 02 मेडिसन रेड. ये भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर शेड है, लेकिन मैंने इनको दोनों को मिक्स करके आज ये अप्लाई किया है. एंड ये आप सुंदर से प्रिटी से ये जो झुमकी देख रहे हैं ये मैंने परचेज की थी मीशो से, एंड इसका जो कोड है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और ये जो कुर्ती देख रहे हैं आप, कोई अगर ये पसंद आ रही, क्योंकि ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो ये मैंने परचेज की है अजियो से, एंड इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो चलिए अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे दी गई रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, एंड उसके साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी जरूर हिट कर दीजिएगा. उससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सकेगा एंड आप वीडियो देख सकेंगे. तो चलिए अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हमारा सबसे पहले जो कुर्ती सेट है वो है ये, एंड ये बहुत ही सुंदर से जो आप देख रहे हैं रानी पिंक कलर में आप भी देख सकते हैं, एंड दिस इज फ्रॉम ब्रांड वरंगा, एंड इसमें मेरा जो साइज है वो है L. सो लेट्स स्टार्ट विद द कुर्ती फर्स्ट. तो इसकी जो कुर्ती है वो आप देख सकते हैं, मुझे इसकी कुर्ती बहुत ज्यादा प्रिटी लगी. इसके योक पार्ट पे जो है इस तरह का वर्क मिल जाएगा, देखिए कितना ज्यादा फाइन वर्क किया गया आप देख सकते हैं. ये जो है जरी के धागे से एम्ब्रॉयडरी की गई है, ये देखिए. एंड इसमें आपको मिल जाता है राउंड नेक विद 3/4 स्लीव, ये देख सकते हैं स्लीव बिल्कुल प्लेन है. बाकी जो पूरी कुर्ती है प्लेन है, क्योंकि इसका जो मेन फोकस है इसके नेक लाइन पे दिया गया है. ये एम्ब्रॉयडरी आप देख रहे हैं, यही इसका मेन अट्रैक्शन है. तो जितनी ज्यादा सिंपल सोबर कुर्ती होती है वो उतनी ही ज्यादा रॉयल एंड रिच लगती है. इसका जो कलर देख रहे हैं आप, ये थोड़ा सा हटके है कलर. इसमें आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा, रेड कलर आपको इसमें मिल जाएगा. ये कलर मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि ये जो कलर है मेरे पास था भी नहीं, एंड ये पहनने के बाद काफी ज्यादा रिच एंड रॉयल लुक देता है. एंड दिस कुर्ती कम्स विद द ट्राउजर, सेम कलर में ये ट्राउजर मिल जाता है आपको, एंड इसमें आपको इस तरह की वेस्ट बैंड मिलती है, ये देख सकते हैं दोनों तरफ इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड है. एंड इसमें आपको लाइनिंग नहीं दी गई है, और इसमें आपको हैंग करने के लिए स्ट्रिंग्स मिल जाती हैं. बाकी ये बिल्कुल प्लेन ट्राउजर है, इसका भी सेम फैब्रिक दिया गया है. आई थिंक ये जो कुर्ती सेट है ये चंदेरी फैब्रिक में है, जो भी एग्जैक्ट फैब्रिक होगा इसका मैं स्क्रीन पर डाल दूंगी ताकि आपको पता चल जाए. इसकी कुर्ती में भी आपको कोई लाइनिंग नहीं मिलती है, तो इसकी क्वालिटी को देखते हुए मुझे एक चीज़ की कमी ज़रूर लगती है कि इसमें इन्होंने जो है लाइनिंग नहीं दी है. तो अगर इस कुर्ती सेट में लाइनिंग दी होती तो ये मेरे लिए एकदम परफेक्ट कुर्ती सेट था. वैसे ही कुर्ती सेट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, बस इसका जो एक जो नेगेटिव पॉइंट लगा मुझे वो है इसका फैब्रिक. ये जो फैब्रिक है वो है चंदेरी फैब्रिक, और ये फैब्रिक मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं करता, मुझे काफ़ी ज़्यादा चुभता है, इसलिए ये मैं इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ परचेज करना, क्योंकि मैं आसानी से इसे पहन नहीं पाती हूँ इसीलिए. तो अगर आपको भी इस तरह का फैब्रिक सूट नहीं करता है तो आप ये परचेज बिल्कुल भी मत कीजिएगा. अदरवाइज ये जो कुर्ती सेट है ये बहुत ही अच्छे प्राइस रेंज में आपको मिल रहा है. इस प्राइस रेंज में आपको इस तरह का कुर्ती सेट अगर मिल रहा है तो आपको डेफिनेटली परचेज कर लेना चाहिए, अगर आपको इसके फैब्रिक से कोई भी दिक्कत नहीं है तो. इस कुर्ती के साथ मैंने वेयर किया था
ये वाला मर्जेंटा पिंक कलर का सुंदर सा दुपट्टा आप देख सकते हैं, एंड ये मैंने परचेज किया था अमेजोन से 450 रुपीज के अराउंड। तो ये सेम दुपट्टा इससे भी कम प्राइस पे आपको मीशो पर मिल जाएगा सेम क्वालिटी में। तो आपको इस तरह के दुपट्टों में जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आप इसे काफी तरह से स्टाइल भी कर सकते हैं एंड काफी सारे कुर्ती सेट के साथ पेयर भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह का दुपट्टे आप देख सकते हैं, आपको चारों तरफ इस दुपट्टे में इस तरह की लेस मिल जाती है। ये देखिए कॉर्नर पे आपको ये मोती वाला वर्क मिल जाता है, एंड इसके कॉर्नर्स में आपको इस तरह की लटकन मिल जाती है, क्यूट सी लटकन। तो ये दुपट्टा बहुत सुंदर लगता है, एंड ये आई थिंक 2.5 या फिर 2.3 मीटर का दुपट्टा है, अच्छी खासी लेंथ दी गई है इस दुपट्टे में, तो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है पहना हुआ। तो इसलिए मैं बता रही हूँ ताकि अगर आप मेरे से बाद में पूछें और मुझे याद न रहे, तो इसीलिए मैं पहले आपको ये सब बता रही हूँ। एक दुपट्टा मैं आपको और दिखा रही हूँ, वो है ये गोल्डन कलर का दुपट्टा। इसके बारे में मुझे इतनी ज्यादा क्वेरीज आई कि मैं आपको क्या ही बताऊं। ये मैंने परचेज किया था दिल्ली में जो लोकल मार्केट लगती है, मंडे संडे ट्यूसडे मार्केट, उसी में से मैंने ये सैटरडे मार्केट में से परचेज किया था, एंड ये मुझे बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल गया था, लाइक 350 रुपीज में मुझे मिल गया था। ऐसा दुपट्टा आपको इस प्राइस रेंज में ऑनलाइन नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर मुझे ऑनलाइन इस तरह का दुपट्टा मिलता है, दिखता है, तो मैं आपको उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो ये है इतना सुंदर दुपट्टा, एंड गोल्डन कलर का दुपट्टा ज्यादातर कुर्ती सेट के साथ चल ही जाता है, तो इसलिए मैं कहीं ना कहीं से पहन ही लेती हूँ। तो फिर आप लोग मुझसे पूछते हैं, तो मैंने सोचा आज मैं फाइनली इस वीडियो में बता ही देती हूँ कि मैंने कहाँ से परचेज किया। वैसे तो मैंने आपको ये पहले भी बताया, लेकिन अगर आप वो वीडियो नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि ये जो दुपट्टा है मैंने परचेज किया सैटरडे मार्केट से। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कुर्ती सेट की तरफ, और जो नेक्स्ट कुर्ती सेट है वो है ये आप देख सकते हैं बहुत ही ब्राइट रेड कलर में है। तो इसकी भी मैं आपको सबसे पहले कुर्ती दिखाती हूँ, इसकी कुर्ती काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, और ये मिलता है आपको रेयन फैब्रिक में, एंड दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड जिया, और इसमें मेरा साइज़ है एक्सेल। यस, मैंने इसमें एक्सेल साइज़ परचेज किया है, जो मुझे थोड़ा सा लूज़ आ रहा है। तो इसका जो योक पार्ट है वो इस तरह का है, इसमें आपको मिल जाता है गोल्डन कलर का फॉल प्रिंट, ये देखिए। तो फ्रंट में आपको इस तरह से मिल जाता है, बाकी पूरी ही कुर्ती में आपको इस तरह की छोटी छोटी बूटियाँ मिल जाती है, देखिए इस तरह की। एंड इसमें आपको मिल जाती है 3/4 स्लीव्स, और स्लीव्स के कॉर्नर पर आपको इस तरह का जो है सेम प्रिंट मिल जाएगा, ये देखिए। बाकी जो कुर्ती है पीछे से एकदम प्लेन है, एंड इसके साथ आपको मिलता है इस तरह का प्लाजो, ये प्लेन प्लाजो है, एंड इसमें आपको दोनों तरफ इलास्टिकेटेड वेस्टबैंड मिल जाती है, और ये मुझे बहुत ज़्यादा लूज है तो इसे मुझे एक्सचेंज करवाना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़्यादा वाइड लेग का प्लाजो नहीं है, ये एकदम स्ट्रेट फिट प्लाजो है, ये देख सकते हैं, बाकी पूरा प्लेन प्लाजो है। तो आई थिंक ये रेयन फैब्रिक में है इसका जो प्लाजो है। तो ये था इसका प्लाजो, अब बात करते हैं कि ये मुझे कैसा लगा। तो ये कुर्ती सेट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन इसके प्राइस के अकॉर्डिंग जो ये कुर्ती सेट मुझे ओके लगा है। ये कुर्ती सेट अगर आप गोल्डन दुपट्टा एंड गोल्डन ज्वेलरी के साथ पहनेंगे तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, एंड आप इसे किसी भी फंक्शन में पहन के जा सकते हैं। और ये बिल्कुल भी ट्रांजी नहीं है, जो पहले वाला था वो भी बिल्कुल भी ट्रांजी नहीं था। तो इस कुर्ती को आप व्हाइट कलर के स्कर्ट या फिर व्हाइट कलर के शरारा के साथ भी पहन सकते हैं। तो ये था हमारा सेकेंड कुर्ती सेट। से ही कुर्ती, और ये मरून कलर में है, ये रेड कलर में नहीं है, आपको शायद ये रेड कलर दिखे लेकिन ये मरून कलर में है,
और ये देखिए इस तरह की कुर्ती है एंड दिस इज़ फ्रॉम ब्रांड वरंगा एंड इसमें मेरा साइज एल है, तो इसमें आपको गोल्डन कलर का फर प्रिंट मिल जाता है। ये देखिए इस तरह से, तो इस तरह की छोटी छोटी बूटी है एंड साइड में आपको इस तरह का प्रिंट मिल जाएगा। ये ऑल ओवर कुर्ती में आपको नीचे तक मिल जाता है, ये देखिए यहाँ तक आपको ये मिल जाएगा। एंड इस कुर्ती के फ्रंट में आपको इस तरह के बटन मिल जाते हैं, ये भी गोल्डन कलर के बटन हैं, काफ़ी ज़्यादा सुंदर बटन दिए गए हैं ये देखिए। बट ये ओपनेबल नहीं है, सिर्फ इसका जो फर्स्ट बटन है वही ओपन होता है। एंड इसमें आपको मिल जाता है राउंड नेक और 3/4 स्लीव्स मिल जाती हैं। स्लीव्स के एंड में भी आपको सेम प्रिंट दिया गया है और बैक से ये जो कुर्ती है एकदम प्लेन है। तो ये जो कुर्ती है रेयॉन फैब्रिक में है एंड ये ऐसा फैब्रिक है जिसे आप हर सीजन में पहन सकते हैं। इसे भी आप ऑफ वाइट कलर के शरारा या फिर स्कर्ट के साथ पहन सकते हैं। साथ में ले लीजिए आप गोल्डन कलर का दुपट्टा एंड अच्छी सी ज्वेलरी, उसके बाद आप इसे किसी भी पार्टी या फंक्शन में भी पहन के जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है कुर्ती पहनी हुई, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका फैब्रिक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड ये बिल्कुल भी ट्रांजिट नहीं है, तो आप इसे इजिली वेयर कर सकते हैं। तो इस कुर्ती के साथ मैंने पेयर किया था ये वाला शरारा, ये देख सकते हैं आप, इस तरह का शरारा है। आप देख सकते हैं इस शरारे में आपको अच्छा फ्लेयर मिल जाता है एंड इस तरह की गोल्डन कलर की गोटा पट्टी से इसमें वर्क किया गया है। ये देख सकते हैं सेंटर में इस तरह से वर्क किया गया है एंड ये मिल जाता है आपको रेयॉन फैब्रिक में और इसमें आपको इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड मिल जाती है देखिए। एंड ये मैंने परचेज किया था मीशो से एंड इसका भी जो कोड है, आपको मीशो पे कोड मिलते हैं, तो इसका जो कोड है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं एंड एज ए सेट इसको ट्राई करना चाहते हैं। तो जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास ये ब्लैक कलर की कुर्ती। ओ माय गॉड, ये कुर्ती मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। इसके साथ मैंने एक गलती कर दी कि इसके साथ मुझे परचेस करनी थी एक स्कर्ट, वो मैं भूल गई बिल्कुल ही परचेस करना। तो जब भी नेक्स्ट सेल आएगी वो मैं डेफिनेटली परचेस करूंगी और आपके साथ भी जरूर शेयर करूंगी, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे लुक मैं निकाल सकती हूँ इसीलिए। तो उस लहंगा स्कर्ट के साथ इस कुर्ती को अगर आप पहनेंगे तो उसके बाद जो लुक है वो बहुत ज्यादा अच्छा आने वाला है। तो उसके बाद आप इसे किसी भी फंक्शन में, किसी भी तरह के अच्छे खासे बड़े फंक्शन में भी आप इसे पहन सकते हैं, बहुत ज्यादा ग्रैंड लुक आने वाला है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको एक कुर्ती दिखा देती हूँ। ये कुर्ती है इस तरह की, ये ब्लैक कलर की कुर्ती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वरंगा ब्रांड में आपको बहुत सुंदर सुंदर कुर्ती एंड कुर्ती सेट मिल जाते हैं, तो ये नेक्स्ट कुर्ती भी हमारी वरंगा ब्रांड से ही है। तो ये इस तरह की कुर्ती, ये हाफ एंड हाफ कुर्ती है। इसमें आपको हाफ इस तरह की कुर्ती मिलेगी लाइक प्लेन, बट इसके योक पार्ट में आपको इस तरह की स्टिच काइंड ऑफ एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है, ये देखिए इस तरह की। एंड हाफ पोर्शन में आपको ये वाला प्रिंट मिल जाता है गोल्डन कलर का फुल प्रिंट, ये देखिए इस तरह की बूटी अपनाई गई बड़ी वाली। एंड इसमें आपको एल्बो तक की स्लीव मिल जाती है एंड कॉर्नर से ये आपको प्लेन मिलती है। तो इसके वेस्ट बैंड में आपको टाई करने के लिए लाइक, क्योंकि इसकी वेस्ट बैंड वैसे लूज रहेगी एंड कोई भी यू नो शेप नहीं आएगी, इसीलिए शेप देने के लिए इसमें आपको इस तरह से डोरी मिल जाती है एंड ये आपको पीछे की तरफ भी हाफ पोर्शन मिल जाएगी इधर की साइड। तो जैसे ही आप इसे टाइट करेंगे तो अच्छे से शेप आ जाती है इसके वेस्ट एरिया में, उसके बाद ये काफी ज्यादा सुंदर लगता है। एंड बैक से भी आपको ये बिल्कुल सेम मिलती है, हाफ पोर्शन में आपको ये प्रिंट मिल जाता है एंड हाफ पोर्शन एकदम प्लेन है। तो ये इस तरह की कुर्ती है। तो मैंने ये कुर्ती इसी डिजाइन को देखते हुए परचेज की थी, थोड़ा सा डिफरेंट लगा मुझे ये डिजाइन इसलिए मैंने परचेज की थी। तो अगर आप भी इस कुर्ती को एक रॉयल लुक देना चाहते हैं तो आप उस स्कर्ट को परचेज कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो ये थी हमारी नेक्स्ट कुर्ती एंड ये बिल्कुल भी ट्रांजिट नहीं है।
नेक्स्ट कुर्ती सेट है वो कुर्ती सेट मुझे इतना ज्यादा सुंदर लगी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। इसका जो फैब्रिक है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, तो मैं आपको पहले दिखाई देती हूँ। सो नेक्स्ट है ये वाला कुर्ती सेट। ये जो कुर्ती सेट है ये है ब्रांड सांगरिया से। तो सांगरिया ब्रांड मुझे इतना ज्यादा पसंद है कि मैंने एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो इस ब्रांड पर बनाई हुई है, लाइक सांगरिया ब्रांड पे। उस पर आपको ड्रेस, कुर्ती सेट, कुर्ती सब कुछ मिल जाएगा। तो मुझे इतना ज़्यादा पसंद है, तो इसके तो मेरे पास बहुत सारे कुर्ती सेट या फिर कुर्ती हैं। ये जो कुर्ती सेट है ये मैं काफ़ी टाइम से लेने की सोच रही थी, तो फाइनली मैंने इस सेल में इसे परचेज कर लिया। क्योंकि पहले मिंत्रा पे सेल चल रही थी, उसके बाद बैंक डिस्काउंट भी मुझे मिल गया, तो उसके बाद ये जो कुर्ती सेट है मुझे बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ा। मतलब इसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग ये जो कुर्ती सेट है मुझे काफ़ी ज़्यादा सही रेट पे मिल गया, तो उस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और ये जो कुर्ती सेट है इतना ज़्यादा हैवी है। अगर आप इस कुर्ती सेट को परचेज करते हैं तो इसमें आप एक साइज छोटा मंगाइएगा, जो भी आप पहनते हैं या हमेशा परचेज करते हैं। लाइक आपको अगर इसमें एल साइज आता है तो आपको इसमें परचेज करना होगा एम साइज, क्योंकि ये इस एरिया से काफी ज्यादा खुला रहता है। तो जब भी मैं सांगरिया ब्रांड के साइज चार्ट को देख के परचेज करती हूँ तो वो हमेशा मुझे लूज आता है, तो इसीलिए फिर मुझे बाद में एक्सचेंज करवाना पड़ता है, एक साइज छोटा मंगवाना पड़ता है। तो अब मुझे समझ में आ गया कि सांगरिया ब्रांड के जो साइज चार्ट के अकॉर्डिंग मुझे एक साइज छोटा मंगवाना है। अगर आपकी भी हेल्थ मेरी जैसी है तो आप एल साइज परचेज कीजिएगा इसमें, अगर आपको ये पसंद आता है। तो इस तरह का रेड एंड व्हाइट कलर का प्रिंटेड ए लाइन अनारकली कुर्ती सेट है। तो ये अंगरखा स्टाइल की अनारकली कुर्ती है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, आपको इस तरह का जो इस ऑल ओवर कुर्ती में प्रिंट मिल जाएगा, ये देखिए। एंड इसमें आपको मिल जाती है 3/4 स्लीव, एंड स्लीव्स के बॉर्डर में आपको इस तरह की रेड कलर की पाइपिंग मिल जाती है। इसका फैब्रिक बहुत ज्यादा अच्छा है, इसका फैब्रिक है विस्कोस रेयन। एंड ये देखिए, इसके जो नेक लाइन में आपको इस तरह का डिटेलिंग मिल जाता है, ये देखिए इस तरह का फ्रंट में। तो ये देख सकते हैं, आपको इस तरह से डोरियां मिल जाती हैं, ये देखिए। तो अगर आपको ये पहनना ना आए तो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग में थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम अंगरखा डिजाइन की कुर्ती परचेज किया। इसीलिए आपको राइट साइड भी दो डोरी मिलती है एंड लेफ्ट साइड भी दो डोरी मिलती है, अंदर और बाहर दोनों तरफ से। तो आपको अंदर और बाहर जो डोरी है उनको टक करना है, इस तरफ से भी जो बाहर की डोरी है और अंदर की डोरी जो आपको इस तरफ मिलेगी उनको टक करना है। तो इस तरह से आपको ये कुर्ती पहननी है। तो अगर आप भी अंगरखा जो डिजाइन का कुर्ती सेट है पहली बार परचेज करेंगे तो इसलिए मैं आपको बता रही थी। तो मैं हमेशा जैसा कि आपको कहती हूँ, आपको इस तरह के कुर्ती सेट में इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे आप काफी तरह से स्टाइल कर सके। तो ये वैसे ही कुर्ती है, आप इसको मल्टी वे से स्टाइल कर सकते हैं। लाइक आप इसे एज ए कुर्ती सेट पहन सकते हैं, इन दोनों को अलग अलग पहन सकते हैं, किसी साड़ी के साथ आप इसे एज अ श्रग भी पहन सकते हैं तो भी काफी ज्यादा सुंदर लगेगा। आप इसे प्लाजो एंड क्रॉप टॉप के साथ पहन सकते हैं तो भी काफी ज्यादा सुंदर लगेगा। तो इस तरह से आप इसे मल्टी वे से स्टाइल कर सकते हैं। एंड दिस कुर्ती कम्स विद दिस काइंड ऑफ प्लाजो। ये काफी ज्यादा फ्लेयर्ड लेग वाला प्लाजो है, मैं आपको दिखाती हूँ। प्लेन रेड कलर का प्लाजो है, इसमें आपको मिल जाती है इलास्टिकेटेड वेस्ट बैंड। तो ये कलियों वाला प्लाजो है, आपको इसमें इस तरह से तीन कलियां मिल जाती हैं, लाइक टोटल सिक्स कलियां मिलती है। जो इसमें फ्लेयर मिलता है वो काफी ज्यादा है, जो इस कुर्ती के साथ बहुत ज्यादा सुंदर लगता है पहना हुआ। इस कुर्ती सेट के साथ आपको दुपट्टा लेने की भी ज्यादा जरूरत है नहीं, उसके बिना भी बहुत ज्यादा सुंदर लगता है। बस इसके साथ आपको इस तरह की ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहननी है, हैवी ऑक्सीडाइज झुमकी हो, हाथों में सुंदर से ऑक्सीडाइज कड़े हो, जुत्ती हो, उसके बाद जो इसका लुक है वो बहुत ज्यादा अच्छा आने वाला है। ये थोड़ा सा लूज रहेगा लेकिन इसकी जो फिटिंग है वो इसी तरह की है। इस कुर्ती सेट की क्वालिटी, इसका लुक, इसका जो फैब्रिक है वो, इसका डिजाइन, सब कुछ बहुत ज्यादा अच्छा है। तो अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि आपको एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए, आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। तो ये था हमारा नेक्स्ट कुर्ती सेट। लास्ट बट नॉट द लिस्ट कुर्ती सेट आपको दिखाने वाली हूँ, वो इस पूरे हॉल में मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है एंड आपको भी वो डेफिनेटली पसंद आएगा। तो अगर आपके भी घर में कोई वेडिंग आने वाली है, किसी फ्रेंड की, किसी रिलेटिव की, तो आपके लिए जो कुर्ती सेट मैं आपको दिखाने वाली हूँ एकदम परफेक्ट है। तो ये जो कुर्ती सेट है ये मेहंदी फंक्शन के लिए एकदम परफेक्ट है। आप चाहे तो इसे संगीत फंक्शन के लिए भी पहन सकते हैं, मेन वेडिंग डे वाले दिन भी आप इसे पहन सकते हैं। इस जगह का ये कुर्ती सेट है, बहुत ज्यादा सुंदर है। तो ये है वो कुर्ती सेट,
और एक हैवी कुर्ती सेट है। थोड़ा सा प्राइसी जरूर है बट इट्स वर्थ एवरी सिंगल पेनी। तो इसके क्वालिटी के अकॉर्डिंग इसका जो प्राइस है वो मुझे एकदम परफेक्ट लगा था और मैंने ये परचेज किया था इस सेल टाइम पे। बैंक डिस्काउंट के बाद तो इसका जो प्राइस है वो और भी ज्यादा कम हो गया था, तो ये मुझे काफी ज्यादा सही रेट पे पड़ गया था। अगर आपको भी अभी इसका जो प्राइस है थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है तो आप सेल का इंतजार कीजिए, उसके बाद इसे परचेज कीजिएगा। वैसे भी इसका जो प्राइस है अभी 200 या 300 रुपए ही ज्यादा हुआ है, तो अगर आपके घर में कोई शादी है तो इतना एक्स्ट्रा प्राइस तो आप दे सकते हैं, राइट। इसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग वो प्राइस भी एकदम परफेक्ट रहेगा। तो जल्दी से मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये है इस कुर्ती सेट की कुर्ती। तो ये काफी ज्यादा सुंदर मेहंदी कलर की अनारकली कुर्ती है। तो इसका जो योक पार्ट है वो कुछ इस तरह का है, ये देखिए। यानी ये जो प्रिंट आप देख रहे हैं ये गोल्डन फॉल प्रिंट। तो ये जो प्रिंट है आपको ज्यादातर कुर्ती सेट में मिल जाता है, ये काफी ज्यादा ट्रेंड में है आजकल इसीलिए। और आपको इस तरह का बड़ा की होल मिल जाता है एंड इसके बीच में आपको इस तरह का जो है फैब्रिक मिल जाएगा। ये भी गोल्डन फॉल प्रिंट दिया गया है एंड ये जो है ग्रीन कलर की, लाइट ग्रीन कलर की पाइपिंग दी गई है। और ऊपर की तरफ आपको ये जो है इस तरह से बटन है, ये देखिए ये जो बटन है ये इस तरह से है ताकि आप इजिली इसमें से नेक डाल के इसे पहन सकें। एंड इसमें भी आपको 3/4 स्लीव मिल जाती हैं और स्लीव के भी कॉर्नर पे आपको इस तरह की पाइपिंग मिल जाती है। यहाँ से स्टार्ट हो जाता है इसकी स्लिट, तो ये लॉन्ग स्लिट मिलती है नीचे तक आपको, ये काफी ज्यादा अच्छा खासा फ्लेयर मिल जाता है आपको इसमें। तो इसके डिस्क्रिप्शन में इसका जो फैब्रिक मेंशन किया गया वो है मिक्स्ड कॉटन। तो ये इस तरह का फैब्रिक है, बिल्कुल भी चुभता नहीं है फैब्रिक, काफी ज्यादा कंफर्टेबल है एंड इस सीजन के हिसाब से भी एकदम परफेक्ट है ये फैब्रिक, क्योंकि अभी विंटर सीजन आ गया है तो ये थोड़ा सा थिक है। लाइक इसमें आपको गर्मी भी नहीं लगेगी एंड इसमें आपको सर्दी भी नहीं लगने वाली है। एंड इसके नीचे आपको मिल जाता है ये वाला प्लाजो, ये काफी ज्यादा वाइड लेग वाला प्लाजो है, काफी अच्छी क्वालिटी है इसकी भी। इस तरह का आपको प्लाजो मिलता है, ये देखिए ये प्रिंट आपको ऑल ओवर प्लाजो में मिल जाता है नीचे तक। साइड में क्लोजर जो पार्ट है इसका वो है इस तरह का, तो इसमें साइड में आपको चेन नहीं मिल रही है, आपको हुक मिल रहे हैं, देखिए तो इस तरह से हुक दिए गए एंड इसे अच्छे से सिक्योर करने के लिए आपको ये स्ट्रिंग मिल जाती है जिससे आप अच्छे से इसे ऐसे बंद कर सकते हैं, तो ये अच्छे से सिक्योर हो जाती है। तो ये इस तरह का प्लाजो है, काफी ज्यादा वाइड लेग वाला प्लाजो मिल जाता है एंड इसके साथ आपको मिल जाती है लाइनिंग भी। तो इसमें आपको इस तरह की कॉटन फैब्रिक में लाइनिंग मिल जाती है, काफी ज्यादा अच्छा फैब्रिक दिया गया है लाइनिंग का भी, तो बिल्कुल भी ये चुभने वाला नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छी हैवी क्वालिटी का ये प्लाजो है। इस कुर्ती में आपको कोई लाइनिंग नहीं मिलेगी, तो ये इस तरह का कुर्ती सेट है। तो ये कुर्ती सेट मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, जैसा कि मैंने आपको बताया एकदम परफेक्ट पार्टी वेयर कुर्ती सेट है। तो आप इसे ट्राई करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप इसे ट्राई कर सकते हैं, इस कुर्ती सेट में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। एंड दिस इज फ्रॉम ब्रांड विशुद्ध, तो ये विशुद्ध ब्रांड से है एंड इसमें जो मेरा साइज है वो है L, ये मुझे एकदम परफेक्ट आया है। तो अगर आप भी मेजर से हेल्थ के हैं तो आप इसे L साइज में परचेज कीजिएगा, आपको एकदम परफेक्ट आएगा। तो ये था इस होल का लास्ट बट नॉट द लिस्ट कुर्ता सेट। जैसे कि आप में से कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट भी की थी कि आपको एक पार्टी वेयर कुर्ती सेट होल देखना है, तो इसलिए मैंने ये सारी कुर्ती सेट ट्राई की है एंड आई होप कि आपको इससे कुछ हेल्प मिली होगी। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड आपके फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं। एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर आई अपलोड अ न्यू वीडियो। एंड फॉर माय न्यू अपडेट्स आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है pink.brew.
ब्राउनी। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड के कुर्ती कुर्ती सेट या फिर लहंगे का रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। उसका जो लिंक है आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे सकते हैं या फिर आप मुझे डीएम कर सकते हैं ताकि उस प्रोडक्ट के बारे में मैं जान सकूं कि वो कैसा है कैसा नहीं, और मैं उसके बारे में रिव्यू कर सकूं अच्छे से। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये कुर्ती सेट कैसे लगे, आप मुझे वो भी कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। उससे क्या होता है कि मुझे और भी इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो यस, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक मिलता है तो आई एम सो सॉरी, क्योंकि मिंत्रा पे जो प्रोडक्ट है बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं इसलिए, लेकिन वो बहुत जल्दी स्टॉक में आ भी जाते हैं तो आपको वेट करना होगा एंड कुछ दिनों के बाद आपको आपके साइज में ज़रूर मिल जाएगा। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन टेक केयर, बाय।